आज ऐसे कलाकार हैं हमारे साथ, अगर हम बाहर देखें या हम देखें दिल्ली में देखें, दिल्ली से बाहर देखें, जो ना केवल इस साधना में उसकी प्योरिटी फॉर्म के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि इसके एवोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस वक्त जो नृत्यांगना, ओडिसी नृत्यांगना मेरे साथ हैं, उनके नृत्य में नदी का बहाव है, काव्यात्मक लावण्य है और मादकता है। शी इज़ ओडिसी एक्सपोनेंट मंजुश्री पांडा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जयश्री, ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। मंजुश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम नृत्य की बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, या किसी भी शास्त्रीय कला की बात करें, तो जो कलाकार है उसे बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिलती हैं, परंपरागत रूप से मिलती हैं, घर में, परिवार में। तो क्या आपके साथ भी वही बात थी, वैसा माहौल था? जी बिल्कुल, पूरी तरह से तो विरासत में नहीं मिली थी, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो आर्ट लवर थी और वो खुद सीखी थी कुछ म्यूज़िक, थोड़ी बहुत गाने के बारे जी में वो इंटरेस्टेड थी। सो शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू, हम लोग को सिखाने के लिए उनको मन था, तो उन्होंने हम तीनों भाई बहन को इसी लाइन पे डाल दिया था। सो इट्स गोइंग क्या ऑन। उम्र थी आपकी जब आपने पहली बार सोचा, और आपने ओडिसी नृत्य ही क्यों चुना? ओडिसी में ऐसी क्या बात लगी आपको? क्योंकि अगर हम शास्त्रीय नृत्य शैलियों की बात करें तो बहुत सारी हैं, जी तो आपने ओडिसी नृत्य शैली को ही क्यों चूज किया? एक्चुअली इन ओडिशा तो हम लोग का क्लासिकल डांस फॉर्म जो है शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी डांस ही है। और मैं बहुत छोटी थी जब, 6 साल की थी तब से मैंने स्टार्ट की है, और आज तक आई एम डूइंग इट्स जस्ट लाइक पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड माई लाइफ इज डांस जस्ट लाइक दैट। तो जब बहुत छोटी थी तब भी तो पास में भी मेरे बहुत सारे डांसर्स थे जो घर में, मेरे घर में भी थे और दूसरे भी लोग थे जो डांस करते थे, ओडिसी डांस करते थे। और हम लोग का वहाँ पे ज़्यादा दूसरी तरफ क्लासिकल डांस फॉर्म में सिखाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, हम लोग सीखने को मिलता नहीं था। तो जी और उससे सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगती है, ओडिसी डांस इज़ द मोस्ट लिरिकल डांस फॉर्म, जो बोलते हैं कि लास्य लालित्य है। अपने लाश्य है। इसमें सारे जितने सारे क्लासिकल डांस फॉर्म शास्त्रीय नृत्य है, उससे ज़्यादा ही ज़्यादा लालित्यपूर्ण डांस ओडिसी डांस है। हाँ बिल्कुल, आपने लालित्यपूर्ण लास्य की बात की। आई थिंक अभिनय इसका एक अभिन्न अंग है। जी। सो आपका फोटे क्या है? आपको भी लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं अभिनय में? जी वो तो लगता है कभी कभी कि बिकॉज मैंने काफ़ी खुद का कोरियोग्राफीज मैंने की है, जैसे कि डॉक्टर प्रतिभा राय के जज्ञान सेनी के, और जो बुक है उसके ऊपर मैंने लिटरेचर को लेके मैंने उसके ऊपर जज्ञान सेनी के मैंने किया है डांस फॉर्म में। और लज्जा करके मैंने और एक डांस फॉर्म किया है जिसमें कि 5 माइथोलॉजिकल लेडी कैरेक्टर, उसको मैंने जैसे अहल्या, चंद्रभागा, कुंती, द्रौपदी एंड काली, ये 5 लेडी कैरेक्टर को तब का माइथोलॉजी में इन लोगों का बहुत ही था, हम लोग का इम्पोर्टेंस था। और अभी भी लेडीज़ को उसी तरह से कैसे वो अबला निर्बला, इन लोगों ने भी इसी तरह से फेजेस में गए हैं, और अभी भी स्टिल दे आर स्ट्रांग एंड दे आर पूजनीय होते हैं, हम लोग उनको पूजा करते हैं, उनको मानते हैं वो लेडीज़ को सारे। और जैसे हम लोग अभी भी कहते हैं नारी पूजनीय होती है, उसी के ऊपर मैंने बेस करके लज्जा करके एक भी कंपोजिशन की थी, जस्ट लाइक दे आर सो मेनी अदर कंपोजिशन ऑल्सो। मर्यादा पुरुषोत्तम जी, उन राम जी के ऊपर मैंने किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम किया है। अभी मैंने एक नया किया है श्री अष्टकम, दैट अच्छा। इज़ अंदर शंकराचार्य अन्नपूर्णा स्तोत्र, दैट इज़ टोटली द लिटरेचर पार्ट ऑफ, मतलब हम लोग का जो ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज है उसी से लेके ज़्यादा जुड़ी हुई है ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह तो से मतलब का साहित्य को आप जो है उसे मंच पर नृत्य के माध्यम से जी प्रस्तुत करने में आपको बहुत आनंद आता है। बातचीत चल रही है और इतनी सारी बातचीत कर ली तो मन हो रहा है कि हम आपकी परफॉर्मेंस को भी देखें, श्योर हमारे दर्शकों के लिए आपके नृत्य की परफॉर्मेंस की ये झलक।
बोली कैसे उनके साथ उनका होता है मिलन होता है एंड एवरीथिंग सी इज़ रिमेंबरिंग रिपीटेडली, कैसे जाती है, कैसे क्या करती रहती है, वहाँ पे कुंज में दिखती रहती है, ढूंढती रहती है राधा को. एंड दिस इज़ टोटली द बेस्ड ऑन एक चंपू, इट्स अ लिटरेचर ऑल्सो. द चंपू एंड छांदा द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ओरिया लिटरेचर. तो वो हम लेके इस सारे चंपू और छांदा इसको लेके हम लोग ओडिसी में यूज़ करते हैं डांस में. ओडिसी म्यूजिक एंड ओडिसी डांस इन दोनों में हम लोग यूज़ करते हैं. तो इसी के ऊपर ये आधारित है. ओडिसी आपके व्यक्तित्व का, आप कह लीजिए कि आपका जीवन है, पर साथ ही में आप कथक भी सीख रही हैं. जी. सो ये कथक को सीखने की चाह कब और क्यों पैदा हुई? हो गए ये 3-4 साल पहले. एक बार मैं रानी कन्ना जी से मिली थी तो बहुत बहुत मन किया कि सीखने के लिए. एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी थी तब मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि इसके साथ तुम्हें कथक सीखना है. मैं भी चाहती थी कि एक्चुअली मैं चाहती थी भरतनाट्यम सीखने के लिए जाके कला क्षेत्र में जाके वहाँ पे रुक के स्टडी के साथ वहाँ पे सीखने के लिए, बट मुझे चांस नहीं मिला. तो नेक्स्ट आई थॉट आई शुड गो फॉर दिस कथक. और वहाँ पे जब रानी कन्ना जी आए तो मुझे चांस मिली वहाँ पे जाके सीखने के लिए. पर दोनों अलग नृत्य शैलियाँ हैं, दोनों का जो प्रेजेंटेशन ज्यादा अलग नहीं है. अच्छा, उसमें भी कथा ही है? इसमें कथा है. कथा तो सारे डांस फॉर्म में होता है, सब में होता है, लेकिन जैसे हम लोग में लालित्य ज्यादा होती है ना, कथक के अभिनय में भी लालित्य होती है. उसमें ज्यादा फास्टनेस नहीं होती, उसमें पैर में फसनेस आती है जब नृत्य नृत्य होता है. हम लोग का 3 तरह का होता है, नाट्य नृत्य और नृत्य. जब नृत्य पार्ट आ जाता है, डांस फॉर्म आ जाता है, तो उसमें कथक का ज्यादा पैर चलता है. और वो सभी हमारे डांस में भी है. जैसे कि मैंने जिस हम लोग का ओडिसी का भी 3 तरह का स्टाइल्स होता है, गुरु केलुचरण महापात्र जी का और एक गुरुदेव प्रसाद जी का जो मैं जिनके स्टाइल के मैं हूँ, और गुरु पंकजचरण जी दास का. तो हम लोग का भी वैसे ही होता है, नाट्य और नृत्य दोनों एक साथ चलती रहती है. तो ज्यादा से ज्यादा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ओडिसी और कथक में ये मिलती जुलती है बहुत सारी. तो आपको इसलिए कोई कठिनाई या कोई चैलेंज नहीं आया? हाँ, वो तो आती रहती है थोड़ी बहुत, क्योंकि हम लोग का जो सीखने का तरीका होता है, प्रेजेंटेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट. हम लोग का स्टैंडिंग पोजीशन नहीं रहता, हम लोग का लिटिल बिट थोड़ा सा हमेशा इन द बेंडिंग पोजीशंस रहता है. जस्ट वो भी आया है हमारे जगन्नाथ कल्चर से. जगन्नाथ जी जैसे बैठे हैं तो उन्हीं की तरह हम लोग बैठे, उसको हम लोग चौका बोलते हैं. चौका एंड त्रिवंगी, दिस टू आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, द वंगीज ऑफ द ओडिसी डांस. और कथक में पूरा स्टैंडिंग पोजिशन रहता है. और पैर का चलना बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना उसके ऊपर पकड़ होना चाहिए कि आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसमें रहता है. लेकिन यह होता है कि आपको सीखने के लिए इजी इसलिए होता है कि ताल लय ये सब एक ही होता है, मुद्रा सारी चीजें एक ही होता है, सारे क्लासिकल डांस फॉर्म. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट थोड़ी थोड़ी लगता है कि हाथ का मूवमेंट्स में थोड़ा अलग हो जाएगा, कुछ परेशानी हो जाएगी वहां से आके बैक अपने करने के टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल. ये बहुत स्वाभाविक है कि आप अगर अभिनय भी कर रही हैं जिसमें पांव भी नहीं चल रहे हैं, तो जो शैली है वो कहीं ना कहीं उसमें ओडिसी वाला लास्ट से ना आ जाए. तो पर आप जैसे कलाकार फोकस करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि केवल आप कथक या ओडिसी से नहीं जुड़ी हुई हैं, आप साहित्य रचना भी करती हैं. सो आपकी इंग्लिश में किताब भी आई है, प्लीज टेल अस अबाउट दैट. जी, ये एक्चुअली मैंने डांस के ऊपर ही लिखा है, द मोक्ष सूत्र ऑन डांस. ये जनरली मैंने खुद मुझे मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप मुझे मिली है, उसी के ऊपर इसको लेके मैंने बुक बनाई थी. इट्स बच्चों के लिए ही है, सारे बच्चे इसमें से लिटरेचर जो हम लोग का डांस का जो लिटरेचर है बहुत ईजिली उनका अवेलेबल हो जाता है उसमें से. आप क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जस्ट लाइक इन स्टडीज में भी, हम लोग का डांस में भी, आर्ट एंड कल्चर में भी, सारे हम लोग एम ए एम फिल पी एच डी करते रहते हैं. सो दिस इज द लिटरेचर ऑफ द डांस. तो अगर जो स्टूडेंट्स डांस को परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए, बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है. इट्स ऑन पर्टिकुलरली ऑन द इंग्लिश, बिकॉज ऑफ नाउअडेज स्टूडेंट्स आर मच मोर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश एंड वो लोग एग्जाम्स भी उसी पे दे रहे हैं. पहले क्या होता था कि जनरल हम लोग का लोकल लैंग्वेज पे देते थे, आजकल वो नहीं, चलन थोड़ी सी अलग हो गई है, हिंदी नहीं तो इंग्लिश में दे रहे हैं. तो इट्स लाइक दैट.
एंड उसके अलावा मैंने साहित्य और समाज करके, सिनेमा साहित्य समाज करके एक सिनेमा के ऊपर मैंने बुक लिखी है, और एक ऑन द सिनेमा न्यू ऑडियंसेस न्यू हराइजन्स, दैट इज ऑल्सो ऑन द सिनेमा। तो सिनेमा से आपका परिचय भी बहुत ही दिलचस्प रहा है, आपने शायद फिल्म मेकिंग में आपने कोर्स जी, किया और आपने जी, कुछ फिल्मांकन भी कुछ किया है, जी जी वो बताएं आप। जी एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तब से तो टीवी वगैरह से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि डांस के थ्रू ही हम लोग परफॉर्मेंसेस के लिए जाते रहते थे। मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की थी तब, मैंने दिल्ली दूरदर्शन के लिए मैंने काली जाई करके हमारे उड़ीसा के लिटरेचर सेक्टर पे डांस का मैंने उसका कोरियोग्राफी में मैंने लिया किया था, परफॉर्म किया था। तो उसके बाद काफ़ी सीरियल्स वगैरह भी मैंने काम की है, फ्रीडम फाइटर के लिए एक सीरियल बना था प्रतिभा करके, उसमें भी मैंने काम की है, कुछ मूवीज़ में भी काम की है, सो लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन दैट। और उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ के फिर आगे मैं खुद गई सीखने के लिए, वहाँ पे गई थी मैंने FTI पुणे में, वहाँ पे जाके मैंने कोर्स की है, अच्छा 6 मंथ्स कोर्स, और बस धीरे धीरे उसी की तरह थोड़ा लगाव एक शॉर्ट ज्यादा फिल्म जो है वो हमारे पास है, दैट इज द एनिमेशन फिल्म दैट इज ऑन मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क, दैट इज टोटली डिफरेंट। इसमें ये हमने दिखाने की कोशिश की है कि जैसे आजकल के टोटली इट्स एंटी क्लॉक वाइज एंड क्लॉक वाइज इट्स गोइंग ऑन, जस्ट लाइक क्लॉक वाइज आजकल अभी भी स्टिल नेचर में जो एनिमल्स हैं उन लोगों अभी तक एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे नेचर के रूल्स को, लेकिन हम जो लेडीज हैं आजकल के न्यू जनरेशन से, दे आर नॉट यूजिंग दैट वन, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वन। और उसी की जो एक क्लिप है वो उस वक्त हमारे देखने वाले अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी तो आप ये बताना चाह रही हैं इसके जरिए कि जानवर अभी भी प्रकृति के नजदीक हैं, वेयर एज हम लोग जो दे आर फॉलोइंग द रियल जो रूल्स हैं उन्हें पूरा उसका या, निभा कर रहे हैं। और exactly. जी तो कितना क्या ड्यूरेशन थी इस फिल्म की? इट्स ओनली 2 मिनट्स एंड सेकेंड्स, इट्स एन एनिमेशन फिल्म। ये भी गई थी आपके चाइना की, वहाँ पे एक एनिमेशन फिल्म शो में गई थी, वहाँ पे हमने भेजा था वहाँ पे दिखाने के लिए, तो इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी काफी जगह पे जा रही है जी एनिमेशन जी। अगर हम नृत्य पे वापस लौट कर आए, आप नृत्य सिखाती भी हैं जी, तो जो आजकल के जो बच्चे आते हैं जो नृत्य सीखने आते हैं आपके पास, उनकी समझ क्या है, कितनी समझ है? क्योंकि अगर आप कोई भी शास्त्रीय नृत्य शैली उठा रहे हैं तो उसकी एक पूरी अपनी ग्रामर है, ग्रामर के अलावा जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो साहित्य है, वो जो शास्त्र है, उसके नज़दीक होना, उसकी समझ होना ज़रूरी है। बहुत तो आप जिन बच्चों को ट्रेन करती हैं उनमें आप कुछ चैलेंजेस देखते हैं कि क्योंकि घर में माहौल नहीं है, जैसे नहीं, आपके घर पे तो आपकी माँ थी जो आपको बहुत मोटिवेट करती थी, सो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस विद द चिल्ड्रन ऑफ टुडे जो आपके पास डांस सीखने आते हैं? परेशानी तो होती रहती है, लेकिन फिर भी देयर आर सो मेनी गर्ल्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके घर में भी अभी भी पेरेंट्स देयर आर सो मच इंटरेस्टेड फॉर दिस, क्योंकि अब पहले जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं कि पहले जैसे था, अभी अगेन द ओल्ड सिचुएशन, द ओल्ड टाइम इज कमिंग बैक। अच्छा, ये आपका अनुभव है? ये मेरा अनुभव इसीलिए है क्योंकि हम अभी जो नए जनरेशन धीरे धीरे टुवर्ड्स द 21st सेंचुरी बाहर का कल्चर के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उनको अभी पेरेंट्स को लग रहा है कि दैट इज़ रंग, दैट इज़ रियली वेरी रंग, हमें वहाँ पे छोड़ेंगे, उधर जाएंगे, बच्चे एक्सप्लॉय हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो बहुत सारे परेशानियाँ वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि कोई भी जाके फिर से अपने कल्चर को एक्सेप्ट करे। जैसे मैं अभी आ रही थी, दिल्ली आ रही थी, तो एक लड़की से मुझे मुलाकात हो गई ट्रेन में, आई एम टेलिंग यू दैट्स अ वेरी कोइंसिडेंस कि वो उड़िया लड़की है लेकिन वो वहाँ पे दिल्ली बेस है, बट सी इज़ गोइंग वहाँ पे भुवनेश्वर में ट्रेन जाके पढ़ाई करिए। उसने मुझे कहा सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन ओडिसी डांस बिकॉज ऑफ आर फादर एंड मदर, जबकि वो बिल्कुल डेली बेस्ड है, लेकिन क्यों है? क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने वो कल्चर मुझे अभी भी दे के रखी है, एंड आई वांट टू लर्न अगेन एंड अगेन। तो जो आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ये दारोमदार है, ये जिम्मा है कि अगर वो अपने बच्चों को अपने रूट से जुड़े रखना चाहते हैं। हमें हमेशा ये नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है, दिस इज हमें अपना काम करना चाहिए कि हम बार बार उनको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, जब बच्चे आएंगे उनको भी इसी तरह से ट्रेन करना चाहिए कि अगर मम्मी पापा पेरेंट्स अगर कुछ उनका भी कुछ लाख हो रहा है तो इनसे ये बच्चे जाके ऐसे सीखे, ऐसे बोले कि वो लोग भी खुद, क्योंकि जैसे हम लोग देखिए क्लासिकल डांस जो शास्त्रीय नृत्य होता है ना, यहाँ पे जब हम पहले आते हैं ना, हम पहले गुरु
को पूजन करते हैं, माँ भूमि को पूजन करते हैं, सबसे पहले हम भूमि को पूजन करते हैं, सारे कल्चर सारे ट्रेडिशंस एवरीथिंग हम उनको सिखाते हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे जब आज हम अपने कल्चर और संस्कार की बात की, नृत्य संस्कार पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपके नृत्य की एक और ग्लिम्स है जो साझा करना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के साथ। स्टेज पे ये सुंदर नृत्यांगना जिसे आपने परफॉर्म करते हुए देखा, ये इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है मंजुश्री पांडा। तो मंजुश्री, आप बात कर रही थी नृत्य के संस्कार की, अगर हम नृत्य शैली की बात करें तो उसमें जो अभिनय है, जो सम्मान है गुरु के प्रति, या जो पृथ्वी जिस पे हम कदम रखने वाले हैं उस भूमि का भी पूजन करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल भी है। इट्स नॉट ओनली अ परफॉर्मिंग आर्ट। या एग्जैक्टली हर दिन जैसे हम लोग बोलते हैं किसी के घर जाते हैं, नहीं तो कोई बुजुर्ग आते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि उनका प्रणाम करो, तो ये हमारे यहाँ भी वही होता है। सबसे पहले आके गुरु को प्रणाम करते हैं और हम सबसे पहले सिखाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, उसी के ऊपर आधारित हम सारी चीज बच्चों को सिखाते रहते हैं। सिर्फ डांस नहीं सिखाते हम, साथ में कैसे जीते हैं वो सिखाते हैं, कैसे बात करना चाहिए बड़ों के साथ, कैसे घर में जीना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए वो सब सिखाते रहते हैं, कैसे अपना लाइफ को मतलब सिस्टमेटाइज करना चाहिए, कैसे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे आप कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई में, ये सारी चीज उसी के साथ रिलेटेड होती रहती है। और बच्चे भी बहुत अच्छे तरह से आजकल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी इंटरेस्ट बच्चों में है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में वो जाते रहते हैं, उनको मन भी होता है कि हमें प्राइजेस मिलते, घर में जब आते हैं देखते मैम आपको ये वाला मिला है हमें भी मिलना चाहिए, जैसे कि मेरा तो एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट बच्चों के अंदर आएगी। और जब आप जैसे गुरु हों जो आज के समय से नृत्य को जोड़ें और बच्चों को उसे सिखाएं, तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। बहुत मजा आया आपसे बात करके मंजुश्री, हमारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली सभी परफॉर्मेंसेस के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। कला साहित्य संगीत जीवन में कुछ फाइनर सेंसिबिलिटीज को पैदा करती हैं, एक नज़रिया देती हैं। आप किसी चीज़ को एज इट इज़ प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं और अगर आपके पास एक पारखी नज़र है तो आप उसके कहीं और मतलब भी निकाल सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में कोशिश यही रहती है कि आपका जहाँ परिचय हम कलाकारों से करवाएं वहाँ पर एक नज़रिया भी दे सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा।